and welcome to a very special program about a very special person. Sitting here in red on my right, 21 years old, Vatsalya Chauhan, a student at IIT Kharagpur, who has just bagged a job with Microsoft out in the US and for a salary of over 1 crore rupees a year. And he is just 21. There is more. He is from Khagaria, about 150 kilometers from Patna. His father makes grills. He runs a welding store. Let me congratulate him first. बहुत बढ़िया खबर आपको मिला एक महीना पहले. अब हमें पता चला है आप किसको सबसे क्रेडिट ज्यादा देंगे, कौन आपको इंस्पायर किया इतना दूर पहुंचने में. बहुत लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, लाइक टीचर्स, पेरेंट्स और दोस्तों का भी मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरे को. साथ में पापा का डेडिकेशन और मेरे पे फेथ मेरे को हमेशा बूस्टअप करता था. कभी कहा कि आप मेरे साथ काम करो वेल्डिंग के दुकान पे? ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने. क्या कहा? वो हमेशा से चाहते थे मैं कुछ अच्छा करूँ और जो मैं चाहता हूँ वो करूँ. तो बस पढ़ाई करता गया और अभी यहाँ पे हूँ. Before we go any further, let me go across to my colleague Manish Kumar, who is out there with Vatsalya's father Chandrakant ji, and tells us all about the challenge of sending his son to IIT and now Microsoft. Manish, हम फिलहाल खगड़िया शहर में हैं. ये एक सनौली मोहल्ला है जो वात्सल्य का ये पुश्तैनी मकान है. उनके पिताजी हैं चंद्रकांत सिंह और साथ ही माँ हैं. ये बताइए इतने छोटे मोहल्ला पे यहाँ से IIT का सफर कैसे ये हुआ? तो बच्चे में अपनी प्रतिभा थी, बचपन से ही उसमें विलक्षण बुद्धि था. बचपन का उसका एक घटना याद है कि वो 4-5 अंक का गुना तक चादर पर ऐसे ऐसे उंगली से लिख के और निकाल देता था, बोलता था आंसर इतना हो. तो यहाँ से आप लोग कोटा कैसे पहुँच गए? वो खुद जो है एंट्रेंस का एग्जाम देते रहा और वहाँ कुछ टीचर लोगों से उसका परिचय हुआ, कोटा चला गया. नहीं, लेकिन आपकी तो ऐसी आर्थिक स्थिति तो नहीं थी कि आप उसको? नहीं, उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन जैसे विशाल जोशी सर वहाँ से फोन किए. फर्स्ट में तो हम खुद ही भेजे थे उसको, उसके बाद जो है पहला बार में उसको नहीं हुआ. 9000 कुछ रैंक आया था तो हम सोचे कि चलो बेटा एडमिशन करा लो. तो भेजे सर उसको जानते थे, वो बताए कि नहीं नहीं उसको आप भेज दो. हम कहे सर मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है. आपका सिर्फ ट्रेन का टिकट कटा के भेज दो, बाकी मैं यहाँ व्यवस्था कर दूंगा. तो वो राजेश महेश्वरी सर से और अमित आहूजा सर से मिलके सेट किए कैसे, और उसको एलन वालों ने रहना खाना और फ्री ट्यूशन दिया. नहीं, लेकिन जब IIT में हुआ तो आपको लगा था कि एक दिन आपका बेटा को इतना बड़ा ऑफर मिलेगा? इतने बड़े का तो उम्मीद नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ अच्छा जरूर करेगा. ये IIT का फी कौन देता था उसको? वहाँ स्कॉलरशिप मिल गया था. हाँ, स्कॉलरशिप नहीं पढ़ा. आप लोग को उम्मीद था कि इतना पैसा मिलेगा बेटा को, इतना फर्स्ट जॉब में इतना ऑफर मिले? नहीं, उम्मीद नहीं. अब आपके इतने और बच्चे, 5 और बच्चे हैं, अब क्या चीज पढ़ाएंगे उनको? वो बच्चा पर निर्भर करता है. टैलेंट बच्चा होगा तो जो निकालेगा. सर लेकिन एक चीज बताइए कि आपको ये कब मालूम चला इस ऑफर के बारे में? हम वर्कशॉप पे वर्क कर रहे थे तो उस समय हमको बेटा बताया कि पापा नौकरी लग गई. तो एक बैग मतलब तरस रहे थे कि कब सुने, लोगों के बच्चे का सुनते थे कि नौकरी हो गया तो ललाई थे ही. एक बैग हमारे आँख से आंसू गिर गया कि चलो आज हम जिसके लिए मेहनत कर रहे थे और जिसके लिए मेरा बच्चा मेहनत कर रहा था, आज उसको वो मुकाम मिल गया. पूछे बेटा क्या सैलरी वैलरी क्या हुआ? पापा आपको मैं सामने बताऊंगा. तो उस समय उसने बताया था कि 90,50,000 का पैकेज मिला है. बाद में अभी आया कि नहीं 1,20,00,000 का है. कभी सोचे भी थे? कभी नहीं. आप क्या करते हैं? हम तो बस छोटा सा वर्कशॉप चलाते हैं, ग्रिल, गेट, शटर, स्टील, अलमीरा और ट्रैक्टर का ट्रॉली बनाते हैं, मरम्मत करते हैं. So inspiring words from a father who clearly inspired his son. With me, a whole lot of people from Kolkata who obviously find Vatsalya's story extremely inspiring, including his friends from IIT Kharagpur, Dhruv
and there is another friend over here as well. But I want to first go to Raja here, who tried to get into IIT a couple of times and couldn't. What do you want to ask Vatsalya today? Vatsalya, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बार जब आपका IIT का एग्जाम आपके हिसाब से नहीं बना, आपने रिजल्ट तक भी नहीं देखा, इसके और सेकेंड टाइम IIT का प्रिपरेशन आपने किस तरह का डिफरेंट प्रिपरेशन लिया कि आप इतनी बढ़िया रिजल्ट कर पाए? एक्चुअली फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा नहीं करने का रीज़न ये था कि ट्वेल्थ में मैंने फोकस नहीं किया IIT के ऊपर. ट्वेल्थ में मैं अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ता था केवल, तो इसलिए. और सेकेंड टाइम पे मैंने केवल IIT पे फोकस किया और क्लास वर्क जितने होमवर्क्स मिलते थे उनको केवल कंप्लीट किया और ये इनफ था यही क्रैक करने को. श्रीजीता, आप क्या, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क हिम? यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट. तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आपका जिंदगी का ये एक मोड है, नेक्स्ट मोड, तो सबसे पहला चेंज आपके जिंदगी में क्या आएगा? लाइफ में एक्चुअली मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लाइक सोशल सर्विसेज में, और लाइक एक स्कूल भी खोलना चाहता था मैं, तो उनके लिए पैसे वगैरह की भी रिक्वायरमेंट थी और घर का भी कंडीशन ऐसा था कि मेरे को लगता था सारे भाई बहन का क्या होगा. तो अब वैसा डर नहीं है फिलहाल, तो काफ़ी रास्ते खुल गए आगे. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. और आप बताएं रूपी, यू हैड अ क्वेश्चन एज वेल फॉर हिम. मैं पूछना चाहता हूँ कि नाउ दैट यू हैव अचीव्ड इतना, आपने क्या सोचा है इस सोसाइटी को देने के लिए, अपने और स्टूडेंट्स वगैरह को क्या आप एडवाइस करते हैं टू अचीव रियली वेल? एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को अभी भी कॉन्टेक्ट करते हैं. मैं घर पे रहता था तब भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, और लाइक कोटा में भी कैंपस के बाहर कुछ ऑटो वाले हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते होता, तो उनके बच्चों को भी मैं गाइड करता हूँ वीकली, मंथली, और कभी कभी डेली बेस पर उनके रिक्वायरमेंट पर. और फ्यूचर एस्पेक्ट्स में भी काफ़ी कुछ मेरे को पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हम लोग स्कूल खोलने का भी सोच रहे हैं एक डिफरेंट टाइप का, जिसमें कि सारे क्लास के लोग उसको पढ़ उसमें आ सकें, और इकोनॉमिक बेस का बहुत ज़्यादा लोड ना हो लोगों को. ओके, ये हम वापस फिर एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद आपके जो टीचर हैं आपके कोटा में, उनसे भी हम बात करेंगे. पर उसके पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपको कि आजकल के दिन ये कोचिंग के बिना कैन यू बिकम सक्सेसफुल? ये जो सर है यहाँ पे प्रोफेसर हालदार और ये प्रोफेसर अनिर्बन शाह हैं, इन सॉरी अनिर्बन दा, ये सब जादवपुर यूनिवर्सिटी से हैं. उन्होंने तो कोचिंग नहीं किया, आपने कभी, डिड यू एवर टेक कोचिंग टू गेट एडमिशन? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, दिस नीड फॉर कोचिंग टू गेट इनटू दीज इंस्टीट्यूट्स? वेल, नंबर ऑफ पीपल हैव इंक्रीज्ड, देयर आर, दीज आर वेरी इंटेंस एंड स्पेसिफिक कोर्सेज, वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, यू नो. But so, that nowadays the trend is people go for coaching. In our days there were not much coaching. Sir, what would you say? I mean, is coaching a must? First of all, I didn't take any coaching, but I had real trouble to take the IIT exam. It depends on your school. If the school doesn't teach you beyond what is in the syllabus, you have to go to a coaching school. Sir, these people behind you, they are also from BITS Pilani. And in the IT sector now, right? Did you all take coaching? आप लोगों ने कोचिंग लिया, क्या किया? हम लोगों ने कोचिंग नहीं लिया, we didn't take coaching, but we definitely have, you know, a good tutors around us, because in school really we are not getting, you know, beyond the syllabus, and in competitive exam like IITs we need to go beyond, you know, what is being, you know, fit to us. आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे ध्रुव? मैं पूछना चाहूँगा कि आप कोचिंग को अपने इस सक्सेस के पीछे कितना योगदान मानते हैं, और बिहार में कोचिंग के बिना कैसे लोग आगे बढ़े, इसके लिए आप कुछ सोचे हैं? बताइए आप, कोचिंग के बिना क्या आपको लगता है यू वुड हैव रीच्ड दिस पर्टिकुलर हाइट? नो, एक्चुअली करेंट सिनेरियो में IIT के एग्जाम का जो भी पैटर्न है, तो लाइक बहुत सा उसके जो भी सिलेबस है उस पर अगर लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके बुक से पढ़ना चालू करें, तो लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोलोमन है, बहुत मोटी मोटी बुक्स है, कैलकुलस की थॉमस पिनी है, तो अगर वो सब खुद से अगर पढ़ना चालू करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और कोचिंग का बहुत ज़्यादा ही
अभी कंपटीशन लेवल इस टाइप का है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि ऑब्वियसली उनका जो मटेरियल है जो लाइक कोचिंग्स में प्रोवाइड करते हैं स्पेशली कोटा के कोचिंग्स में, तो वो कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, कहीं ज़्यादा टू द पॉइंट बनाया गया है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ जाएंगे वो रिलेटिवली मच बेटर करेंगे उनसे जो कोचिंग नहीं जाएंगे, और शायद मैं ना जाता तो मैं भी अच्छा नहीं कर पाता। आप बताएं, डिड यू टेक कोचिंग? यू आर इन आईआईटी खड़गपुर, डिड यू टेक कोचिंग? या आई ऑल्सो टुक कोचिंग एंड आई डिड कोचिंग इन कोटा। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन कोटा, पीपल गेट अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स, दे हैव गुड मटेरियल्स टू स्टडी, so that's why I think coaching is important because they get quality education there. Okay. And in schools the teachers may not be that much qualified to teach students at the level of JEE, so I think the coaching is important because in coaching the faculty that we get there is highly qualified and they motivate students to do good quality questions, and so I think yeah, coaching is important and it play a great role in cracking JEE. Okay, we have one of the coaches who taught Vatsalya. We have his comments all the way from Kota. Here is what he had to say about Vatsalya's success and the importance of coaching for these hugely competitive exams. रहने का, खाने का, मतलब एक तरह से हर सपोर्ट जो उसे मिल सकता था पूरी तरह से वो एलन का ही रहा उसको। उस सपोर्ट के साथ साथ एकेडमिकली हमारी टीम ने, मैंने, हमारे और जो साथी लोग हैं उन सब ने मिलकर के एकेडमिकली उसके साथ बहुत मेहनत की। उस पूरी मेहनत में बच्चे ने बहुत साथ दिया और आज उसका नतीजा आपके सामने है। और वो शुरू से ही बहुत मेहनती और हार्ड वर्कर थे। रड़िया जैसे छोटे से गाँव में वेल्डिंग का काम करने वाले एक व्यक्ति हैं, उनका एक बच्चा है, मैं तो पर्सनली उसके फादर को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ, मैंने देखा परिस्थिति का, तो वो बच्चा अगर आज माइक्रोसॉफ्ट में इतनी बड़ी पोस्ट पे जाता है तो ये एक उसका हार्डवर्क और एक कमिटमेंट शो करता है।